जब से उपचुनाव की घोषणा हुई थी, JBKSS का स्टैंड क्लियर था कि हम लोग इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, डुमरी का जो विधानसभा पड़ता है एक छोटे मोटे जिला के बराबर, वहाँ हमारा कदम तक नहीं पड़ा था। तो जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, एक छोटा सा 30 सेकंड का वीडियो क्लिप कुछ साथी काट कर चला रहे हैं, जिसमें हमने इस बात को कहा कि NDA को क्यों, तो उस बात को वो हाय तोबा मचा रहे हैं। लेकिन चालाक और धूर्त लोगों ने क्या किया कि जो NDA के साथ क्यों जाएंगे, इस क्लिप को काट कर लोगों के साथ प्रेजेंट किया। अभी कब प्रेजेंट किया? जब चुनाव समाप्त हो चुका है, चुनाव का परिणाम आने के बाद। जो विजय हुए उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अपनी विजय पताका को कैसे बरकरार रखें, और जो विजय नहीं हो पाए उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर कमी कहाँ रह गई। डुमरी उपचुनाव जो कि चर्चा का विषय रहा, हर किसी के जुबान पर डुमरी उपचुनाव के चर्चे रहे, और कुल मिलाकर उसका परिणाम आ चुका है। जनता जनार्दन यानी जनमत का सम्मान करते हुए सभी प्रत्याशियों को अपने आगे के कार्य में विशेष ध्यान देना चाहिए। जो विजय हुए उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अपनी विजय पताका को कैसे बरकरार रखें, और जो विजय नहीं हो पाए उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर कमी कहाँ रह गई। तो खैर, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है ये सामाजिक व्यवस्था रहनी चाहिए, आपसी सौहार्द रहना चाहिए, अमन चैन और भाईचारा कायम रहना चाहिए। चुनाव के ठीक बाद कुछ ऐसी सूचनाएं सूत्रों के माध्यम से सुनने को मिली जो कि कहीं ना कहीं आहत करने वाली हैं, जिनमें दो प्रत्याशियों के साथ कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटी जो कि कतई उचित नहीं थी। तो खैर, और एक विषय मैं विशेष कहना चाहूँगा डुमरी उपचुनाव को लेकर, क्योंकि स्पष्ट था कि हम लोग जब जब से उपचुनाव की घोषणा हुई थी, JBKSS का स्टैंड क्लियर था कि हम लोग इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, चुनाव के दरमियान जो 20 17 18 20 दिन का समय था, आप उस दिन किसी भी परिस्थिति में, हम देख सकते हैं आप, डुमरी का जो विधानसभा पड़ता है एक छोटे मोटे जिला के बराबर, वहाँ हमारा कदम तक नहीं पड़ा था। तो जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, एक छोटा सा 30 सेकंड का वीडियो क्लिप कुछ साथी काट कर चला रहे हैं, जिसमें हमने इस बात को कहा कि NDA को क्यों, तो उस बात को वो हाय तोबा मचा रहे हैं। तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, उस वीडियो को पूरा देखें। मैं तमाम खासकर मैं डुमरी का जो क्षेत्र है, वहाँ जितने हमारे मित्र हैं जिनका संबंध आशु दल से है, मैं उन तमाम मित्रों को कहूँगा, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि नहीं, आप लोगों ने तो कहा था कि हम लोग किसी दल को समर्थन नहीं दे रहे हैं। तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि जो सत्ता में रह चुके हैं, NDA रहे, UPA रहे, हालांकि अभी UPA का नाम इंडिया हो चुका है, तो इंडिया रहे चाहे NDA रहे, हम लोग किसी के साथ नहीं रहेंगे। तो उसी क्रम में आप उसी वीडियो को, जो 7 मिनट का चला है, 30 सेकंड को कृपया करके, आप लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं, 30 सेकंड के वीडियो में जो बातें कही गई हैं उसके लिए आप 7 मिनट पर जाकर देखें। वहाँ मैंने ये भी कहा कि हम सरकार को क्यों वोट करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करके हम लोग पहचान बनाए हैं, तो सरकार के साथ क्यों जाएंगे। फिर दूसरा सवाल कि NDA, हम NDA के साथ भी क्यों जाएंगे, और सारे विकल्प हैं। तो वीडियो कुल मिलाकर ऐसा था कि हम सरकार के साथ क्यों जाएंगे, NDA के साथ क्यों जाएंगे, तीसरा है और कई विकल्प हैं, मैंने इस टाइप से कहा था। लेकिन तो मैंने इस बात को कहा था कि भाई सरकार के साथ क्यों जाएंगे, सरकार मतलब UPA, सरकार के साथ क्यों जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि NDA, हम NDA के साथ क्यों जाएंगे, दोनों को मैंने यही कहा था कि सरकार UPA के साथ भी क्यों जाएंगे और NDA के साथ भी क्यों जाएंगे। लेकिन चालाक और धूर्त लोगों ने क्या किया कि जो NDA के साथ क्यों जाएंगे, इस क्लिप को काट कर लोगों के साथ प्रेजेंट किया। अभी कब प्रेजेंट किया? जब चुनाव समाप्त हो चुका है, चुनाव का परिणाम आने के बाद, जो कि मेरे हिसाब से दुर्भाग्य का विषय है और इसको लेकर असमंजस की स्थिति में है। तो इसलिए मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जा रहा हूँ, 30 सेकेंड के उस वीडियो से पहले आप पूरा वीडियो को देखें। मैं विनम्र निवेदन करूँगा जो लोग गलत तरीके से भ्रम की भावना स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। हमने यही कहा था कि सरकार को क्यों और NDA यानी विपक्ष, और सरकार यानी UPA जिसको आप इंडिया कह सकते हैं, यानी इंडिया को क्यों, NDA को क्यों, मैंने दोनों को कहा था। लेकिन चालाक लोग, धूर्त किस्म के लोग हैं जिन्होंने क्या किया कि 30 सेकेंड का वीडियो कट किया। तो इसलिए मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, जो साथी उस वीडियो को देखें अच्छी बात है, लेकिन 30 सेकेंड से आकलन ना करें। एक रील्स से आप रियल लाइफ को आकलन नहीं कर सकते, 30 सेकेंड एक रील्स टाइप का है। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा, तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि आप उस वीडियोज को पूरा देख सकते हैं। वह शायद आवाज़ उठाओ न्यूज, उसके राहुल मोदक जी हैं,
उनका चैनल होगा, उसमें पूरा वीडियो होगा 7 मिनट का होगा। उसमें स्पष्ट हमने कहा कि यूपीए को क्यों, एनडीए को क्यों, लेकिन लोगों ने क्या किया, एनडीए को क्यों ये वाला काट के लगा दिया। और अभी चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद वो वीडियो वायरल किया गया, तो इसलिए थोड़ा सा मैं ये संदेश देना चाहूँगा। इस तरह बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें 30 सेकंड का वीडियो बीच में काट के गलत तरीके से नेगेटिविटी के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा मैं निवेदन करूँगा, उस एक्सप्लेनेशन को सुनने की दरकार है।